हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं वार्षिक एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार यहां पर खत्म हो चुका है। वार्षिक एग्जाम जरूरी सूचना आ चुकी है। परीक्षा पैटर्न में यहाँ पर बदलाव हुआ है, अभी समझ लो और अच्छे से पढ़ लो। परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवि ने जारी किया प्रश्न पत्रों का प्रारूप, यानी कि प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। किस विषय का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और किस विषय का पेपर सब्जेक्टिव होगा, सारा कुछ बता दिया गया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो प्रेजेंट करता हूं। तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े रहे सभी जगह, तो वहाँ पर कोई भी अपडेट आती है तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से वहाँ पर नोटिस में डाल देता हूँ। तो आपको सभी जगह जुड़े रहना है। तो यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या नोटिस आई है। आपको एग्जाम के नोटिस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, कोई आपको इधर उधर करके नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है, कानपुर सिटी, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पर आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्षिक प्रणाली से संचालित स्नातक के द्वितीय वर्ष और परास्नातक के द्वितीय वर्ष, तृतीय एवं द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही परीक्षा हो और परिणाम समय पर आ जाए, इसके लिए विभिन्न प्रश्न पत्रों के प्रारूप में बदलाव किया है। कुछ विषयों में सब्जेक्टिव तो कुछ विषयों में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं, छात्रों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रशासन परीक्षा से पहले ही विषय व पेपर वार पैटर्न जारी कर देता है। इस साल होने वाली वार्षिक परीक्षा का पैटर्न भी विभिन्न ने जारी कर दिया है। इस वर्ष कला संकाय के कई विषयों में सिर्फ सब्जेक्टिव माध्यम से ही परीक्षाएं होंगी, हालांकि विज्ञान संकाय के सभी विषयों में यहां पर देख सकते हैं कि छात्रों को एक पेपर बहुविकल्पी माध्यम से देना होगा। पैटर्न के तहत विज्ञान वर्ग के छात्रों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान में दो पेपर सब्जेक्टिव और एक पेपर ऑब्जेक्टिव माध्यम से देना होगा। कला संकाय के सभी छात्रों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। प्रारंभिक इतिहास, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, सैन्य अध्ययन, शारीरिक शिक्षा, बीए, गणित समेत कई विषयों के छात्रों को तीनों प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव माध्यम से देना होगा। विवि ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि परीक्षा का पैटर्न विवि की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो ये पैटर्न जो है विवि की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो अभी हो सकता है कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ना आया हो, तो आपको शाम तक वेट कर लेना है या कल तक आपको वेट कर लेना है। आज शाम तक या कल तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको चेकआउट करते रहना है। विवि का जो परीक्षा पैटर्न है यहां पर बताया गया है कि वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो मैंने आपको यहां पर सारा कुछ बता दिया, आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से आपको रीड कर लेना है, या आप मुझे टेलीग्राम पर आकर वहां पर इसको मैं डाल दूंगा इस फोटो को, तो वहां से आप जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्टिव होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम अप्रैल मई में होंगे, यूजी का अप्रैल में होगा और पीजी का मई में होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।